हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे मॉकअप्स के बारे में। मॉकअप्स क्या होते हैं ये हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत बार क्लाइंट्स की ये डिमांड होती है कि जो हम लोगो बनाते हैं या कोई वेबसाइट फोटोशॉप पर डिज़ाइन करते हैं उसको हमें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना होता है। मतलब हमें ये दिखाना होता है कि अगर कोई लोगो हम टी शर्ट के लिए बना रहे हैं या कोई लोगो हमने किसी बॉटल पे दिखाना है, कोई जूस की बॉटल है या वाइन बॉटल है, तो हम वो लोगो उस मतलब प्रोडक्ट पे दिखाएंगे तो वो रियलिटी में कैसा दिखेगा। सो ये सब के लिए हम लोगों को मॉकअप्स की ज़रूरत होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर एन इंट्रो। तो गाइस, हम मॉकअप्स को समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। तो यहाँ पर मेरी एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। ये एक जूस की बोतल है। हम इसके मॉकअप को यहाँ पर चेंज करेंगे। अब आप अगर कहीं से भी मॉकअप डाउनलोड करते हैं तो आपको उसकी पीएसडी मिलती है। पीएसडी के अंदर कुछ अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं। उस ग्रुप्स को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ साइंस भी बने होते हैं कि हमें कहाँ पर चेंज करना है। अब जैसे कि यहाँ पर है और इसका नाम भी दिया हुआ ऑलरेडी, लेबल। तो हम इस लेबल को ही चेंज करना चाहेंगे यहाँ पर। तो मैं ये लेबल पे, लेबल जो होती है, जो भी आपका मॉकअप जो मेन आपका चेंज करने वाली चीज़ होती है वो हमेशा एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होती है। जब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करते हैं तो फिर वो एक नए डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाती है। आप यहाँ पर फिर कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर ये लोगो है, ये लोगो को मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ये डायरेक्टली यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए लोगो की PNG यहाँ पर ओपन हो गई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने लोगो की यहाँ पर PNG यूज़ करता हूँ। ये मेरे लोगो की PNG है तो मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसके बराबर का और इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने सेव करा यहाँ से तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर जाके सेव हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा वो यहाँ पर। ये देखिए ये यहाँ पर अपडेट हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर ये ब्लैक कलर का ना रहे, तो इस पर मैं कलर ओवर ले दूंगा यहाँ से डायरेक्टली और ये कलर ओवर ले यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये लेबल, अब मेरे को यहाँ लेबल पे चेंज करना है तो मैं इस पर क्या करूँगा, ये लेबल के सेक्शन में जाऊँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा ये लेबल का सेक्शन खुल जाएगा। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो प्योर वर्ड है, इस प्योर वर्ड को मैं चेंज करूँ। इसको हटा देते हैं, एक काम करते हैं, एक नया फॉन्ट ले लेते हैं क्योंकि स्मार्ट एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं असली फ्रूट नाम से, एक हम ब्रांड बना रहे हैं तो असली फ्रूट नाम से हम लिखते हैं एक। ठीक है, असली फ्रूट, और इसको कलर दे देते हैं वाइट। ठीक, प्योर के थोड़ा सा बराबर बनाते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं पहले देखने के लिए सारी चीज़ें, पीछे का बैकग्राउंड हम ब्लैक ले लेते हैं क्योंकि वाइट में हमें इतना पता नहीं लगा। तो एक काम करते हैं, फ्रूट को हम नीचे लेते हैं, असली को SLI स्मॉल ले लेते हैं और ये प्योर को हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि प्योर मेरे को वर्ड नहीं चाहिए। FRUIT फ्रूट। अब फ्रूट वर्ड को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ पर और जो असली वर्ड है, जो ऊपर वाला वर्ड है ये, इसको एक नई लाइन में ले लेते हैं। ठीक है, Ctrl-V पेस्ट कर दिया और ये असली वर्ड को मैं यहाँ ले लूँगा। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे
अब दोनों को छोटा कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है उसके हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ मॉकअप मेरे को नहीं लिखना है, यहाँ मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। नाम मैं पहले इसका सिलेक्शन कर दूँगा, यहाँ पर इसका कलर पिक करके मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका प्राइस लिख देते हैं, या ठीक है प्राइस लिख देते हैं हम। यहाँ पर प्राइस मान लीजिए 100 रुपीस, 100। कंट्रोल ऑल्ट एंड दिस प्राइस सेक्शन। ठीक है, हंड्रेड रुपीस, और इसको मैंने यहाँ पर ले आया, इसके बिल्कुल सेंटर में लेना है मैंने। ठीक है, मेरे को ये असली फ्रूट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि ये असली वर्ल्ड इतना हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पूरा ही इसको ऑलरेडी चेंज कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। नंबर 2 पे नहीं, या फिर आप इसको जैसा है वैसे ही रहने दें, इसका बस ब्लैक सेक्शन हटा दें और सेव कर दें यहाँ से। सेव होने के बाद जब आप कट करेंगे तो ये यहाँ पर मेन फाइल में अपडेट हो चुका होगा। तो देखिए मेन फाइल में यहाँ पर अपडेट हो गया है। अब यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है कुछ, आप चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज करना तो आप सेव कीजिए, सिंपली सेव करा, और मेन जो फाइल हमारी थी, जो बॉटल थी, जूस की बॉटल, वहाँ पर भी जा कर के अपने आप अपडेट हो जाएगा। ये देखिए मेरा पूरा का पूरा अपडेट हो चुका है। यहाँ पर मेरे को चेंज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये टॉप स्टिकर आ गया यहाँ पर। तो टॉप स्टिकर में ये स्टिकर का फाइल दिया हुआ है स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, आप देख लीजिए। यहाँ पर मिनिमाइज करके हाइड करके, सॉरी, अब ये जो वर्ड है यहाँ पर मैं वही असली फ्रूट वाला दूंगा जो मैंने यहाँ पर दिया था, असली फ्रूट। ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और अपनी जो मेन फाइल है वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे जो हमारा बॉटल का टॉप स्टिकर है। सॉरी थोड़ा सा मेरा पीसी स्लो है, सो मैं यहाँ पर इसको हटा करके, प्योर को हटा करके मैं अपना कंटेंट यहाँ पर सेव करूँगा। अब इसको मैं मिडल सेंटर अलाइन करूँगा क्योंकि सब कुछ सेंटर में है तो फिर वो सेंटर ही अच्छा लगेगा। एक न्यू लेयर लेके पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं हम। हाँ, असली फ्रूट जो है उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, या फिर इतना ही रहने दें। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको एज ए एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। इसको सेव करा मैंने, यहाँ से कट करा, और जो मेन फाइल होगी मेरा वहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। अब ये स्टिकर पे अपडेट हुआ है, स्टिकर को सेव करा। आप प्लीज़ सेव करना मत भूलिएगा, अगर सेव नहीं करेंगे तो ये मेन फाइल में अपडेट नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर अपडेट हो चुका है, यहाँ पर ये मॉकअप रह गया, आप मॉकअप को अपडेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, पर मैंने नहीं करा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला वाला एग्जांपल कि हम अगर जैसे जूस की बोतल हो या वाइन बॉटल, इस टाइप की वाइन की बॉटल्स भी बहुत होती हैं वहाँ पर भी, सिंपली आपको बस अपडेट करना पड़ते हैं फाइल्स, दैट्स इट। अब हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं चेंजेस। मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है मेरा रबर स्टैम्प का। अब यहाँ पर देखिए आप अपना लोगो भी डाल सकते हैं। अपना लोगो आप कैसे डालेंगे, सबसे पहले उस पार्ट को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपको चेंज करना है। ग्रुप में मिल जाएगा आपको, ये सील मिला हुआ है, ये सील आपको यहाँ पर दिख रही है, तो आप इसको हाइड करके देख सकते हैं कि यही पार्ट है या दूसरा पार्ट है। ये देखिए दूसरा पार्ट है, पर लोगो का पार्ट ये है, ये लोगो का पार्ट है। ये यहाँ पर इसको ओपन करा,
ये एड लोगो लिखा हुआ है ऑलरेडी, जिसने भी बनाया है उसने सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। या फिर आप सबसे टॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पर एड लोगो, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको आपका लोगो दिख जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये सर्कल को रिमूव नहीं करना चाहता, मैं बीच के पार्ट को बस रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा फ्री सेलेक्शन टूल से, सर्कल कोई भी आप सेलेक्शन टूल से आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। मैंने इसको डिलीट कर दिया और मैं अपना लोगो लेके आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैं अपना लोगो लेके आया हूँ। और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कलर ओवरले कर देता हूँ, ब्लैक कलर में ले आता हूँ, ठीक है। इसको सेव करा मैंने यहाँ से, ये सेव हो रहा है। और सेव होने के बाद इसको कट कर दीजिए यहाँ से, फिर जो मेन फाइल होगी वो वहाँ पर अपडेट हो गया। ये देखिए ये यहाँ पर अपडेट हो गया, और देखिए नीचे का भी ऑलरेडी अपने आप ही अपडेट हो गया। तो देखा कितना इजी है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते थे, पर यहाँ पर हर एक चीज़ आपको चेंज करनी पड़ती। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ ही से चेंज करा है, तो ऐड लोगो में अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ सर्कल से बहुत चिपका चिपका सा है, तो हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक वापस से करके अपने लोगो को थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि वो चिपका हुआ सा ना लगे, और फिर सेव करें। और सेव करने के बाद इसको यहाँ से कट करें और फिर देखिए कमाए, और यहाँ पर देखिए वो अपडेट हो चुका है। तो देखा कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर हमारा लोगो। तो ऐसे आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है, रेड की जगह कुछ और कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कलर चेंजेस कर सकते हैं, पर मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब हम और क्या कर सकते हैं, और हमारे पास ये मेरा था दूसरा वाला एग्जांपल। पहला वाला एग्जांपल हमने जूस की बोतल का देखा, दूसरा वाला एग्जांपल हमने स्टैम्प का देखा, तीसरा एग्जांपल जो मेरे पास है वो है 3D वॉल लोगो। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत लोगों ने ऐसे डाला होगा कि मतलब उसको वॉल पे दिखाया कि वॉल पे अगर 3D लुक आएगा तो कैसा लगेगा। तो सिंपली हमें, हमारे पास भी ये मॉकअप था, तो हमने क्या करा इसमें, अब इस लोगो को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जिसने भी बनाया है उसने साफ क्लियरली लिखा हुआ है, योर लोगो इज़ हेयर, डबल क्लिक द लेयर थंबनेल। तो डबल क्लिक करना है हमने वही स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ से हमारा अपना लोगो आ जाएगा। यहाँ से मैं लोगो डिलीट कर देता हूँ और हम अपना लोगो ले आते हैं यहाँ से, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वैसे हम वहाँ से भी बड़ा कर ही सकते हैं, सेंटर रन करा, कंट्रोल डी प्रेस करा, सेव करा, कलर सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस करा। आफ्टर सेविंग द फाइल वो वहाँ पर अपडेट हो गया होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑलरेडी अपडेट हो गया। वहाँ पर कलर की आपके टेंशन मत लीजिए क्योंकि कलर अपने आप ही ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, पर ये मेरे को ऐसे ही अच्छा लग रहा है। सो आज की हमारी क्लास में हमने 3 मॉकअप्स पे काम वर्क करा है। अगर आपको यही मॉकअप चाहिए, आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए मॉकअप्स चाहिए, तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको और मिल जाएंगी सारी फाइल्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक इट, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन आर चैनल देन सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड स्टे क्रिएटिव एंड कीप वॉचिंग टेस्ट बुक्स। थैंक यू सो मच। Thank you.